हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ए पोएम इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लिव। एमिली डिकिंसन की काफ़ी पॉपुलर और इम्पोर्टेंट पोएम है। इसको हम इसकी समरी को और इसके कुछ फैक्ट को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। एमिली डिकिंसन को गॉडेस ऑफ टेरर कहा जाता है और इनकी जो पोएम्स हैं वो ज़्यादातर डेथ और उससे रिलेटेड सब थीम पे ज़्यादातर पोएम लिखी गई हैं। तो इसी तरह की एक पोयम है, इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लिव। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लिव एंड टाइम शुड गर्गल ऑन। डिकिंसन कहती हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए और तुम ठीक ठाक रहो यानी तुम जीते रहो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक जो डिकिंसन की पोयम है, एमिली डिकिंसन की, उसमें ज़्यादातर पोयम में निराशा का भाव देखने को मिलता है। ये आपने पुरानी पोयम में भी देखा होगा। इनकी बाकी पोएम्स पे भी मैं काफ़ी वीडियो कर चुका हूँ, आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय चलता रहेगा। एंड मॉर्निंग मॉर्न शुड बीम, यहाँ मॉर्न से मतलब मॉर्निंग है, सुबह अपनी जो बीम से मतलब यहाँ है सुबह की, सूरज की जो किरणें होती हैं यानी सुबह का समय अपनी किरणों को यानी सूरज अपनी किरणों को मॉर्निंग टाइम में फैलाता रहेगा। एंड नून शुड बर्न, और धूप हमेशा जलती रहेगी, मतलब लोगों को जलाती रहेगी, परेशान करती रहेगी। एज इट हैज़ यूजुअल डन, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे डेली यूजुअली मतलब अक्सर होता है ऐसा ही होता रहेगा। इन लाइंस में डिकिंसन ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी की डेथ से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज़ें जैसे हैं ऐसी चलती रहती हैं। इफ बर्ड शुड बाइल्ड अर्ली एज अर्ली एंड बीज एज बस्टलिंग गो, और जो पक्षी हैं चिड़ियाएं हैं वो सुबह सुबह उठ के अपना जो डेली प्रोसेस है चहकाना चहकना घूमना वो कब सब करते रहेंगे। एंड बीज एज बस्टलिंग गो, और जो मक्खियां हैं वो भी अपनी हलचल की आवाज़ें करती रहेंगी, इधर से उधर घूमती रहेंगी। वन माइट डिपार्ट एट ऑप्शन फ्रॉम इंटरप्राइज बिलो, और फिर यहाँ से थोड़ा सा इस आगे की लाइन में एमिली डिकिंसन थोड़ा सा मेटरलिस्टिक हो जाती है। बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने इंटरप्राइज से मतलब बिजनेस को करता है, अपने काम धंधे को करता है, वो उस पर जाएगा और आएगा यानी अपना काम करेगा। इट इज स्वीट टू नो दैट स्टॉक विल स्टैंड, और ये यहाँ स्टॉक वर्ड से शेयर मार्केट से रिलेट करता है, बिजनेस से रिलेट करता है। अगेन मेटरलिस्टिक अप्रोच यहाँ दिखाया गया है, मेटरलिस्टिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है एमिली डिकिंसन ने कि कौन सा स्टॉक कहाँ है, कैसे क्या कर रहा है, आम आदमी उसमें बिजी रहेगा। व्हेन वी विद डिजीज लाए, जब हम डिजीज के साथ पड़े हुए होंगे, यहाँ डिजीज से मतलब वो एक पौधा होता है गुलबहार का। व्हेन वी विद डिजीज लाए, इसका मतलब क्या है कि जब हम कब्र में होंगे और हमारी कब्र के ऊपर ये डिजीज के फूल डाले जाएंगे। देखो ऐसा माना जाता है जो लोग दफनाए जाते हैं स्पेशली क्रिश्चियनिटी में, तो उनकी कब्र पे डिजी के जो फूल होते हैं उनको डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिकिंसन बोलते हैं कि लोग अपने काम में बिजी होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, बिजनेस के बारे में बात कर रहे होंगे, अपने स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, और हम अपनी कब्र में डिजीज के साथ यानी गुलबहार के साथ पड़े हुए होंगे, ठीक है। दैट कॉमर्स विल कंटिन्यू, लेकिन बिजनेस कॉमर्स का जो काम है वो जारी रहेगा। एंड ट्रेड्स एज फ्रिक्सली फ्लाए, और ट्रेड्स भी जैसे नॉर्मल फ्रिक्सली मतलब नॉर्मल तरीके से चलता है जैसे, इस तरह से चलता रहेगा। इट मेक्स द पार्टिंग ट्रैंक्विल, और इससे जो हमारी पार्टिंग होगी, पार्टिंग मतलब विदाई होता है, ठीक है, हमारी जो पार्टिंग होगी विदाई यानी हमारी जो अंतिम यात्रा होगी, हमारा जो इस दुनिया से जाना होगा, एकदम शांत होगा। ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत होगा। एंड कीप्स द सॉल सेरेन, और हमारी आत्मा को एकदम सेरेन रखेगा, गंभीर रखेगा। दैट जेंटलमैन सो स्प्राइटली कंडक्ट द प्लीजिंग सीन्स, और यहाँ जेंटलमैन किसी भी एक आम आदमी के बारे में बात की गई कि वो सो स्प्राइटली मतलब बड़े उल्लास के साथ, जीवंतता के साथ उस प्लीजिंग सीन को कंडक्ट करेगा। यानी इस पूरी पोएम में एमिली डिकिंसन कहना चाहती हैं कि दुनिया में जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहेगा, हमारी मृत्यु से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा कर रहा है ऐसा करता रहेगा, सिर्फ हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम कब्र में लेट जाएंगे और हमारी कब्र पे ऊपर कोई फिर डेजी के फूल पौधा मतलब ऑफर करेगा, और वही एक हम बोल सकते ना कि वास्तविक सत्य है, रियलिस्टिक ट्रूथ वही है। एमिली डिकिंसन ये मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि इंसान की लाइफ क्षणभर है और जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी, हमको
दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, केयर नहीं करनी है। तो कैसी लगी आपको ये पोएम, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की बाकी पोएम्स को आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है हमारा एफर्ट तो लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। साथ में आप दूसरे लोगों को जो आपके फ्रेंड हैं और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कुछ, तो आप उनको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।